अफगानिस्तान में फंसे बेरमो के बबलू की सकुशल वतन वापसी हुई है। दरअसल हमने कुछ दिन पहले बेरमो के बबलू के अफगानिस्तान में फंसे होने और उसके अफगानिस्तान में फंसे होने की वजह से परेशान उसके परिजनों की खबर दिखाई थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर अफगानिस्तान से बबलू के भारत आने की व्यवस्था की गई। वहीं परिजनों ने इसके लिए न्यूज 11 भारत को धन्यवाद कहा है। मौत को सामने देख कर क्या रहे, कभी कुछ हो सकता था। वहाँ का दृश्य जो था वो दिल दहला देने वाला था जी। आपने कहीं कोई गोली उली चलते भी देखी क्या? रात तालिबानी पूरा दिन गोली चल रहा था, मतलब कत्लेआम जैसे होता है, गोली मार देना। एक मेरे सामने ही गोली चला था, इस पर गोली चलती थी। जब हम 16 तारीख को एयरपोर्ट गए उसी दिन गोली चला था। लोग मरे भी थे जी? मरे भी थे। कौन लोग थे मरे? जो तालिबानी थे, तालिबानी अफगानिस्तानी। अगर भारत सरकार से अच्छा संबंध रहा तो फिर भविष्य में तो फिर जाएंगे, या नहीं तो फिर अपना इंडिया में तो फिर काम। हमारे साथ हैं अफगानिस्तान से सकुशल लौटे बबलू कुमार, जो बेरमो बोकारो के रहने वाले हैं। हम इनसे जानेंगे, आपके चेहरे जो बता रहे हैं कि आप बहुत दहशत में थे वहाँ जी, तो कैसा लग रहा था? जीवन मृत्यु को आप महसूस कर रहे होंगे कि कब क्या हो जाएगा? समझिए, मौत को सामने देख कर क्या गए। क्या याद आ रहा था उस समय घर परिवार जी? किस तरह का लग रहा था कि कब क्या हो जाएगा? वहाँ कभी कुछ हो सकता था। वहाँ का दृश्य जो था वो दिल दहला देने वाला था जी। आपने कहीं कोई गोली उली चलते भी देखी क्या? रात तालिबानी पूरा दिन गोली चल रहा था, मतलब कत्लेआम जैसे होता है, गोली मार देना। एक मेरे सामने ही गोली चला था, इस पर गोली चलती थी। जब हम 16 तारीख को एयरपोर्ट गए उसी दिन गोली चला था। लोग मरे भी थे जी? मरे भी थे। कौन लोग थे मरे? जो तालिबानी थे, तालिबानी अफगानिस्तानी अफगानी वाले जी। मोटे तौर पे जो अमेरिका वहाँ से हटा तो तालिबान को एक मौका मिल गया सत्ता पर काबिज होने का, यही दृश्य है जी। पहले और अभी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। आप कब से डिस्टर्ब थे? हम लोग सर 15 तारीख से तालिबान अंदर आया, उस दिन से हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे। अच्छा, तो क्या इरादा किया उसके बाद? उसके बाद हम लोग जी मालिक से हम लोग बात किए, मालिक तुरंत टिकट करवाए। 16 तारीख का हम लोग का टिकट हुआ। उसके बाद फिर क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ सर हम बैटरी का रॉ मटेरियल रेडी करते थे, रोटरी ऑपरेटर थे। अच्छा, तो ये बैटरी का रॉ मटेरियल जो करते थे, तो ये कितने दिनों से ये काम चल रहा था आपका? ये सर हम 2018 से वहाँ गए हुए हैं। अच्छा। बीच में आते जाते थे घर। हाँ। जी, पैसा क्या मिलता था आपको? हमको $1,000 अमेरिकी डॉलर मिलता था, मतलब प्रति माह जी, एक वन मंथ। और खाना खर्चा रहने का वो सब कंपनी का जी। तो मालिक जो वहाँ कंपनी के थे वो आपको कॉपरेट किए जी भारत वापस आने? जी जी। और किसने कॉपरेट किया भारत आने में? हमारे भारत सरकार और झारखंड सरकार जी, हेमंत सोरेन गवर्नमेंट जी जी। और उसके बाद हमारे ये ज्योति ज्योति जी दिल्ली से रांची आने में हमारे बहुत ही हेल्प किए। और वहाँ जो लोग हैं वहाँ तालिबान का आंखों देखा जो है क्या दहशत था? खुद मुझे पर ही आ गया तो फिर हम आंखों देखा हाल क्या बता सकते हैं। आपके जैसे मेरा हमारे घर में घुस करके हमी को खुद डराया गया तो फिर हम आ गया। आपके जैसे कितने लोग थे वहाँ फंसे हुए? हमारे जैसे 500 आदमी पहले से थे जहाँ तक हमारा नॉलेज था जी। और उसके बाद जब हम लोग आए तो 160 प्लस आए थे जो ये इस हाथ पे आए। जाएंगे क्या आगे? देखते हैं आगे क्या करना। बता रहे थे कि भारत सरकार, अगर भारत सरकार से अच्छा संबंध रहा तो फिर भविष्य में तो फिर जाएंगे, या नहीं तो फिर अपना इंडिया में तो फिर काम का कमी नहीं। अभी काम की कमी तो है नहीं, अगर प्रयास किया जाए तो। आप तो स्किल्ड हैं सर, अभी आप ये काम कर रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि आप जा करके फड़वा लेके उधर कोड़िए तो आप नहीं कोड़ पाइएगा। उसी तरह सर हम जी आप ही की बात बता रहे हैं, हम सर ऑपरेटरी करते हैं, मशीन चलाते हैं। अब हमको बोला जाए कि हाँ मिट्टी कोड़ो। अच्छा, तो कोड़ने में सर आपके जैसा नेचर का काम, जब वैसा प्रॉब्लम आएगा तो कोड़ेंगे भी सर। ऐसा आपके जैसा यहाँ पर रोजगार के अवसर मिल जाए तो आप करेंगे जी जी। और है भी, अब विदेश नहीं जाएंगे? नहीं, विदेश जाएंगे ऐसा अच्छा व्यवहार बना तो जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे तो हम और भी जगह इंडिया में। आप रिक्वेस्ट क्या करते हैं? और भी भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ, हमारा रिक्वेस्ट है कि पूरा भारतीय इधर आ जाएं लौट के अपने वतन। कभी भी वहाँ माहौल गड़बड़ा सकता है जी। सबको थैंक यू कर रहे हैं भारत से जी सर जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता था। तो ये बबलू कुमार जी भारत सरकार और झारखंड सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं कि
इन्हें यहाँ सकुशल बुला लाया गया। कैमरामैन अरविंद के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। तो बबलू वापस भारत लौट आया है, सकुशल लौट आया है, काफी